बट मैं ये कहूंगा कि आप लोग एहतियात करें, आप लोग भी एहतियात करें। एग्जाम्स ठीक है, वो है, वो देने हैं, बट ये चीजें नहीं रुक सकती, मगर एहतियात करें। देखो इससे नहीं डर होगा, ऑनलाइन होगा, फिजिकल होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो किस बात का डर। ठीक है, हमारे हमारी कोशिश ये है कि जितना ज्यादा हो सके हम उसको कवर करें। देखो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यही आएगा एग्जाम में, पता नहीं किसने कह दिया। मेरे पास एक स्टूडेंट की कल भी कॉल आई, मैंने कहा भाई किसने कहा है। भाई ऐसा नहीं है कि यही आ रहा है, ये सिर्फ क्या है, एक क्विक रिवीजन है, ताकि वो लोग जिन्होंने शुरू से अब तक कुछ नहीं पढ़ा, ताकि उनके पास एटलीस्ट पास होने का एक मौका तो मिल जाए, उनको इतना तो हो जाए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, वो इतना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ तो लें, समझ तो आ जाए उनको। ठीक है, ये उनके लिए है, बाकी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। उनका ये है कि उनको सपोर्ट मिल जाएगी, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अब जब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएगा जो हमने इसमें रिकॉर्डिंग या हम रिविजन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा, मगर हाँ ये सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब पेपर चाहे फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो एक पैनिक थोड़ा सा था ना कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये मसला हो रहा है, वो मसला है, आई होप कि वो कुछ हद तक वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस रिवीजन क्लास से कोई फायदा हुआ आप लोगों को? यस सर, लेकिन जो यस आप सर, पढ़ाते हैं ना वही समझ आता है। हाँ अब थोड़ा सा पहले सदफ की फरमाइश कि हमारे पास ये इकोसिस्टम ड्राइवर समझ में नहीं आया। सीधी सी बात, नहीं नहीं सर, समझ आ गया था। अरे अरे सुनो 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 सुनो, सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लेते हैं अमेजोन को। क्या ले लिया हमने? अमेजोन को ले लिया। अमेजोन क्या है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे और भी सप्लायर आ रहे होंगे जो अपनी चीजें सेल करना चाह रहे होंगे। अमेजोन क्या है, इको ड्राइवर, कौन आ गया, सप्लायर आके उस साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब ये अपनी प्रमोशन कैसे करेगा, ये तमाम ओमनी चैनल्स को यूज करेगा प्रमोशन के लिए। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? इको ड्राइवर, इको ड्राइवर साथ अटैच हो गया कौन, सप्लायर। प्रमोशन कैसे की इसने, ओमनी चैनल के जरिए। ठीक है, अब भाई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, किस तरह करेंगे, कोई ना कोई चीज चाहिए होगी ना सपोर्टिंग। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई बैंक होनी चाहिए, या हम कहते हैं कि इजी पैसा के जरिए पेमेंट हो रही हो, या हमने कहा पेपाल के जरिए हो रही हो। तो ये क्या है, मॉड्यूलर, एक छोटा पार्ट साथ में इंटरलिंक हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, या हम चाह रहे हैं कि भाई हम डेटा सिक्योरिटी के लिए, हम नहीं चाह रहे कि हमारे पास कोई रिस्क आए डेटा सिक्योरिटी का। ठीक है, कि आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास आए, तो हमने कहा भाई एक अलग थर्ड पार्टी है जो डेटा सिक्योरिटी दे रही है, हम उसने हमने उसका जो है वो एक मॉड्यूलर ले लिया, उसके थ्रू आप इन हो जाओगे इकोसिस्टम के अंदर। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है, एक बड़ा सेट है जिसके अंदर तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, इसमें तमाम लोग आ रहे हैं। उबर ले लो, उबर में क्या हो रहा होगा, हमारे पास एक इकोसिस्टम होगा, उसमें कौन होंगे, उसमें सप्लायर होंगे, सप्लायर कौन होंगे, वो जो ड्राइवर्स हैं गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, जो अपनी गाड़ियां दी हुई है। और कौन होगा, ओमनी चैनल, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने मल्टीपल चैनल्स के जरिए अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। और कौन होगा, और मॉड्यूलर होगा, भाई पेमेंट किस तरह होगी आपके पास। हमने कहा भाई हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, या इजी पैसा के थ्रू हो रहा है, या हमने एक और अलग अकाउंट बनाया हुआ है उसके जरिए हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक इंटीग्रेटेड लेवल आ गया है। क्लियर है सदफ? यस सर, 100% अब समझ आ गया। ठीक है, तो इन सबको आपस में मिला के देखो, आइसोलेशन में नहीं देखो, इंटीग्रेट करके देखो। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि मॉड्यूलेटर जो है वो अलग, मॉड्यूलर जो है वो अलग, एनएफसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉड्यूलर, मतलब ये इस अमेज़न के जरिए कनेक्ट करना था। सही है, समझ आ गया सर, थैंक मैंने समझा यू, तुम कहना क्या चाह रही हो। थैंक यू चल सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम कहा था, हम ये कर रहे थे, ये भी थे ना सर, यहाँ टेक्निकल रिस्क हो गया था। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने पीपल देख लिया था। देखो याद है भाई हमारे पास लोग कौन है, कहाँ पे आ सकता है हमारे पास, या तो वेंडर हमारे पास इनएक्सपीरियंस है, या हमारे पास क्लाइंट इनएक्सपीरियंस है। अगर ये इनएक्सपीरियंस होगा तो इन्फॉर्मेशन सही से फ्लो नहीं हो पाई होगी। अगर हमारे पास जो स्टेक होल्डर है उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो भी मसला है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो भी मसला है। तो मसले मसले हैं, कम होगी तो भी, ज्यादा है तो भी, तो इनको एक लिमिट में रखे हमें इन्वॉल्व करना है।
इस तरह से हमारे पास जो एंड यूजर है, कौन है, हमारे एम्प्लॉयज इस्तेमाल करेंगे, अगर वो फेमिलियर नहीं है तो भी मसला है। तो ये कौन से, ये वो लोगों से रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसेस से रिलेटेड। प्रोसेस से मसला क्या है हमारे पास, अगर हमने काम स्टार्ट किया, अगर हमारा स्कोप या रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है तो भी मसला हो जाएगा। देखो हर चीज स्टार्ट होती है रिक्वायरमेंट से। एक प्रोजेक्ट है वहां से स्टार्ट होगा, करना क्या है, आपको चाहिए क्या है, इससे रिक्वायरमेंट्स। तो हर चीज स्टार्ट कहां से होगी, रिक्वायरमेंट से। और अगर रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं हुई तो एट द एंड क्या होगा, प्रोजेक्ट फेल होना ही होना है। क्यों, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट सही बताई नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अजम्पशंस पे ले रहा होगा। तो भाई कोई प्रोजेक्ट अजम्पशंस पे नहीं बनता, अगर आपने अजम्पशंस पे चलोगे तो एट द एंड क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है, अनरियलिस्टिक स्केड्यूल। आपने क्या किया, आपने कहा भाई हमने आपको ये सिस्टम दे देंगे एक महीने के अंदर रेडी करके, हम दिन रात एक कर देंगे। ठीक है, आपने कह दिया भाई आप दिन रात एक करके डेवलपमेंट कर सकते हो, बट जो बाकी चीजें हैं आप वो कहां से लेके आओगी। लेट सपोज आप एक बिल्डिंग बनाते हो, आपने कहा हाँ बना देंगे, और भाई बिल्डिंग का प्लास्टर सूखने के लिए ही छत बनती है, उसको सूखने के लिए 3 दिन चाहिए होते हैं, उससे पहले कैसे कर सकते, जब तक सूखेगा नहीं। तो इसी तरह से आप अगर एक डिजाइन कर रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो भाई प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट की बेसिस पे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, फिर उसकी बेस पे आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग होती है, अगर टेस्टिंग में इश्यूज आएंगे तो डीबग होंगे, फिर से दोबारा से वो बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंट के बाद जो यूजर होंगे उसको चेक करेंगे, पायलट टेस्टिंग होगी, अगर वो इंप्लीमेंट हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा से रिवाइज होगा, पायलट टेस्टिंग ओके हो गई तो फिर उसके बाद नया मॉड्यूल। देखो हमेशा इंप्लीमेंट मॉड्यूल बाय मॉड्यूल होता है, एक स्टेप क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया तो उसको लॉक करके फिर नेक्स्ट पे काम किया जाता है। तो आप किस तरह इसको दे सकते हो, तो आपने क्या कर दिया, आपने दे दिया हाँ भाई हम आपको दे देंगे, बट उस चक्कर में आपने क्या किया, 20 स्टेप मिस कर दिए। जब स्टेप मिस कर दिए तो एट द एंड क्या होगा, आप फंस जाओगे, आपने टेस्टिंग की नहीं है, डीबगिंग की नहीं है, आपने एम्प्लॉयज की सही से ट्रेनिंग हुई नहीं है, फंस जाओगे, अनरियलिस्टिक स्केड्यूल दिया भाई। फिर हमारे पास क्या है, पुअर बजट कंट्रोल। देखो भाई हमारे पास क्या है, सारा का सारा बजट किसके अंडर में होता है, हमारे पास स्टेक होल्डर के, टॉप मैनेजमेंट या अपर मैनेजमेंट के, अगर वो इन्वॉल्व होगा तो बजट आएगा, अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बजट नहीं आना, हमारे पास इसके लिए फंड्स हमें रिसीव नहीं होंगे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। मगर अगर वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो अपना फोकस लूज कर देंगे। तो अगर हमारे पास बजट नहीं होगा तो हमारा प्रोजेक्ट बीच में ही कहीं जाके रुक जाएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर बजट होना चाहिए, प्रॉपर फंड्स होने चाहिए उसके लिए। फिर हमारे पास क्या है, लैक ऑफ चेंज कंट्रोल। देखो चेंज कंट्रोल से मुराद क्या है, इंप्लीमेंट होने से पहले जिस वक्त डेवलपमेंट फेज में है उस वक्त ही अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं, रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, और अगर ये सॉफ्टवेयर उस वक्त चेंज नहीं कर पाता तो फायदा ही नहीं इसका। क्यों, क्योंकि आपके पास इश्यूज आए, आपको डीबग करना है, अब डीबग के लिए वो चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा, फिर कोई फायदा होगा उसका, कोई फायदा नहीं होना। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, कि चेंज कंट्रोल को वो एडॉप्ट कर सके। फिर हमारे पास ऐसे ही आगे है, फिर हमारे पास टेक्निकल रिस्क फैक्टर। देखो आप लोगों ने पढ़ी होगी रिच कौन केस स्टडी, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी, पढ़ी है सर, पढ़ी है ना, ये तो खैर पहली केस स्टडी तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ी ही ली होगी, ठीक है, और खैर बहुत अच्छी केस स्टडी है। तो रिच कौन में प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि उनका बिजनेस कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, उनका प्रॉब्लम क्या था, उनका बिजनेस कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स किस सेंस में, इस सेंस में कि उनके पास एक यूनिट नहीं था, उनके पास 3 यूनिट थे, क्या थे उनके पास, मतलब 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट थे। मसलन वो कुछ चीजें काउंट कर रहे थे लेंथ में, लेट्स से मीटर में, कुछ चीजें काउंट कर रहे थे वो केजी में, और कुछ चीजें वो काउंट कर रहे थे यूनिट्स में, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में। तो उनके पास 3 यूनिट्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली चल रहे थे, ठीक है। इसी तरह से अब जो वो चीजें बेचते थे, समटाइम पूरी पूरी बेचते थे, समटाइम वो पार्शियल यूनिट्स पार्ट्स में बेचते थे, जो बिक गया ठीक है, जो बच गया वो वापस आ जाएगा। जो लेट्स सपोज शीट है, शीट की आपने डायमेंशन बता दी, वो इतने शीट काट के आपको दे देंगे, बाकी जो बच गई वो आपकी इन्वेंट्री में आ गई।
अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है, ये सिंपल नहीं है, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास जो वेंडर होना चाहिए वो भी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होना चाहिए, इसी तरह से जो इम्प्लीमेंट करवा रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, उसको भी इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वरना ये एट द एंड क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। हो सकता है उसने उस फर्म ने पहले इस तरह के उसने प्रोजेक्ट्स किए हों, मगर लाजमी नहीं है कि उसने इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के किए हों। अगर उसने इन कॉम्प्लेक्स से गुजरा है तो वो कर सकता है, वरना हैंडल वो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? एनी इशू? अरे बोलो तो। नो सर। ठीक है, फिर मेरे पास है इन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। देखो इसको ये समझ लो कि आपके पास ये क्या है जो हम कहते हैं जुगाड़ करना, ये वो है। हमने कहा यार जुगाड़ से कर लो इसको, ठीक है। या क्या है, हमारे पास हमें पता है कि भाई इसमें एक सिस्टम एक फ्लॉ है, हमें मालूम है, मगर अगर हम उसको फिर भी ठीक नहीं करते तो वो होगा क्या, वो रिफ्लेक्ट होगा कहीं ना कहीं आगे जाके, मगर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है हमारे पास जिसमें हमें पता है कि भाई यहाँ पे फ्लॉ होता है, हमें उस वक्त ठीक करना चाहिए, अगर नहीं करते तो ये क्या होगा, ये हमें क्रैश कर देगा। लेट्स सपोज हमें पता है सिस्टम क्रैश हो जाता है हमारा इस स्टेज पे जाके और हम ठीक नहीं करते, तो एट द एंड क्या होना है। चलो ठीक है, हमने कहा चलो काम चला लेंगे, हम क्या करेंगे यहां से हम मैनुअल काम कर लेंगे। एक तो हमने सिस्टम लगाया था, मैनुअल काम क्यों करें, चलो मान लेते हैं हमने कहा चलो मैनुअल काम कर लेंगे यहां से आगे। अब आप क्या करोगे, अब कुछ अरसे के बाद जाके अपडेट करोगे। देखो जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर कुछ टाइम में आप क्या कर लो नया प्रोजेक्ट ले लो या आपको नया सॉफ्टवेयर ले लो। आप करते क्या हो, आप एक बार लेते हो फिर उसको सिर्फ अपडेट करा रहे होते हो कुछ रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है। मगर अगर आपके पास पीछे से ही फ्लॉ है तो जब अपडेट कराओगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा। और जब वो बिल्कुल ही क्रैश हो गया तो अब क्या हुआ, अब फंस गए हम। क्यों? क्योंकि हमें अब नया सिस्टम चाहिए होगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम प्रॉपरली काम करें, इन अप्रोप्रिएट अप्रोच दो नंबर अप्रोच आप इस्तेमाल ना करें, जुगाड़ू पर ना करें, ठीक है। फिर हमारे पास है इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। भाई याद रखो हमेशा क्या करो, सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली टेस्ट करो। कंप्लीट से मुराद ये है एक एक चीज, तमाम के तमाम फंक्शनल फीचर्स। होता क्या है, हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा भाई एक सॉफ्टवेयर आया बन के, ठीक है हम इसे टेस्ट कर लिए। टेस्ट क्या किया, उसके तमाम फंक्शंस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जितने भी हमें वर्किंग होगी हमने लोगों को दे दिया, भाई आप टेस्ट करो इसको चेक करो। अब वो करेंगे क्या, वो अपनी रिटर्न एंट्री करके चेक कर लेंगे हमें बिल्कुल ओके है। हमने प्रॉब्लम क्या की, हमने मिस्टेक क्या की, हमने उसका बैकअप टेस्ट किया ही नहीं है क्या, कि उसका बैकअप उठ रहा है या नहीं उठ रहा, या लेट्स सपोज बैकअप हो भी रहा है, आपने अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो बैकअप रिकवर भी तो करना पड़ेगा। बैकअप बना हुआ है बट रिकवर नहीं हो पा रहा, ये उस बैकअप के अंदर जंक डेटा जा रहा है, आपने वो टेस्ट ही नहीं किया था। तो आपको क्या करना चाहिए, तमाम के तमाम फेजेस, तमाम के तमाम जितने भी कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो एक एक चीज को टेस्ट करना है। और अगर आप बीच से कुछ मिस करते हो तो आप आगे जाके फंस सकते हो, क्योंकि देखो हमारे पास बैकअप हो गया, रिकवरी हो गया, ये डेली बेस पे नहीं होता, ये कब होता है, वंस इन अ मून, कभी आपको अभी जरूरत पड़ गई। या लेट सपोज अभी केलेटे का केस आपको पता है क्या हुआ था, उनका सिस्टम हैक हो गया था। अब जो उनका सिस्टम हैक हुआ उन्होंने क्या किया, उनको उसको इनक्रप्ट कर दिया पूरे डेटा को। उन्होंने कहा था कि आप हमें रैंसम दोगे तो हम आपका डेटा दे देंगे, और अगर नहीं दोगे तो हम सबको डिलीट कर देंगे। और जब तक डेटा कैसा है, इनक्रप्ट हुआ हुआ है। तो भाई इनक्रप्शन को डिकोड करना इतना आसान नहीं होता, इवन सिस्टम से इतना आसान नहीं होता। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास इतने भी अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट को क्या करे वो लॉगरिथम से तो हो सकता है ना, किसे लॉगरिथम से तो हो सकता है ना, मैं यही तो बता रहा हूँ लॉगरिथम किस तरह यूज करेगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं हर कैरेक्टर को मैं रिप्लेस करता हूँ प्लस 5 कैरेक्टर से, मसलन ए है, ए की बात 5 कैरेक्टर ऐड करे और जो कैरेक्टर को उससे रिप्लेस कर दे, क्या अब आप पढ़ सकती हो, सारे वर्ड्स चेंज हो गए होंगे, कोई मीनिंग नहीं बन पा रही होगी। ये तो हमने सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज किया है, अगर वो मल्टीपल कैरेक्टर इससे आगे पीछे चेंज कर दे, अब आप लगा लो लॉगरिथम एल्गोरिथम आपका जो है बेसिकली वो कितना टाइम लगा देगा उसको रिकवर करने में। एक एक्सपेक्टेड जो इसका
ये बेसिकली आज से 2-3 साल पहले ये एकदम से बहुत बढ़ गया था, आपका इस तरह के वायरसेस जो क्या कहता है आपके, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि एस्टिमेशन लगाई गई थी कि अगर ये सुपर कंप्यूटर यूज किया जाए तो ऑलमोस्ट इसको 4 साल लगेंगे रिकवर करने में, किससे, सुपर कंप्यूटर से। क्योंकि वो क्या क्या करेगा, वो एक एक कैरेक्टर चेक करेगा कि भाई इस कैरेक्टर की बेस पे ये तो नहीं हो सकता, फिर वो एक एक करके वैल्यूज ऐड करेगा, तो मल्टीपल क्या करेगा, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना रहा होगा और सबको अप्लाई करके देखने में बहुत सालों निकल जाएंगे, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है कि डिकोड को इनकोड को डिकोड को इनकोड करना वापस से। तो हम क्या करें, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो बैकअप रख रहा हो, हम टेस्टेड हो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछला सिस्टम हटाया और नए सिस्टम के ऊपर पूरा डेटा जो बैकअप बनाया हुआ था पूरा का पूरा रिकवर कर लिया, उनका काम नहीं रुका। अगर एक छोटी फर्म होती जिसने कभी टेस्ट ही नहीं किया अपना बैकअप को या रिकवरी को, वो तो फंस जाती। तो हमारे पास क्या है, हमें एक एक फेज को टेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर ये बात, क्लियर है? यस सर, यस सर। हमारे पास है एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल चेंजेस। तो देखो, जब भी आप कोई सिस्टम बना रहे हो, वो सिस्टम सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो सिस्टम कब के लिए है, वो आगे तक के लिए है। तो हम करें क्या, हम उसको इस तरह, देखो एक बार सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया ना, अब उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करें, हम उसको इस तरह अकाउंट फॉर करके चलें कि वो आगे तक के लिए हो। लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है टैक्सेशन। अब हर बंदा टैक्स, पहले आज से कुछ सालों पहले हर बंदा टैक्स नहीं देता था, फाइलर है या नॉन फाइलर है। अभी नॉन फाइलर है वो 17% दे रहा होगा, जो फाइलर है वो 10% दे रहा होगा, कोई मसला नहीं, चल रहा है काम, कोई इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं था। बट अब क्या हो गया है, हर एक को फाइलर होना लाजमी है। तो हमने सिस्टम कुछ अर्से पहले बनवाया, उसमें हमने टैक्स कट में डाला ही नहीं, अब हमें डालना लाजमी हो गया, अब हम फंस गए। तो हम क्या करें, हम फ्यूचर फोरकास्ट करके चले इस तरह से कि अगर हमें चेंजेस करनी पड़े तो हम उसको एडॉप्ट कर सकें। तो चाहे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है? यस सर, ठीक है। फिर हमारे पास है टाइट कपलिंग विद अदर ऑन गोइंग हाई स्टेक प्रोजेक्ट। भाई आपके पास और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आप ये करो कि अपने प्रोजेक्ट को इस तरह अलाइन करो कि जो आपके बाकी प्रोजेक्ट से उनके साथ भी वो कंपेटेबल हो, मतलब उनसे रिलेटेड हो, उनका डेटा इसमें इजीली ट्रांसफर हो सकता हो। ये दोनों अलग अलग डायमेंशन में होंगे कि उसका डेटा इसमें नहीं आ सकता या इसका चीज उसमें नहीं जा सकती, तो फिर फायदा नहीं होना। किस तरह से करो, इस तरह का हो जो आपस में क्या हो, रिलेशनशिप रखते हो, जो एक दूसरे से इंटरचेंज किया जा सकते हो, इसका डेटा इसमें आ सकता हो, तो इस तरह से उसको डिजाइन किया जाए। क्लियर है, रिपीट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, हम वो डेवलप कर रहे हैं, वो सिस्टम इस तरह से हो कि जो आपके बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ भी अलाइंड हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी इस पे आप अगर चाहो तो लेके आ सकते हो या इसकी रिक्वायरमेंट उनके ऊपर ले जा सकते हो। तो आपस में कैसे हो, ये रिलेटेड हो, ताकि एक जिसकी, लेट सपोज आप पास एक आईटी का प्रोजेक्ट है, आप हो कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाओगे कि जो आपकी रिक्वायरमेंट, आप सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करोगे, डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी डिटेल्स भी इसमें आ सकती है। तो किस तरह का बनाओगे, ऐसा बनाओगे जो दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेट करता हो। ओके सर, दो मिनट वेट करना। अच्छा भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर हो गया? बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास आ सकते हैं। तो हमें इन
रिस्क फैक्टर को देख के फिर हमें प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, तो जो प्रोजेक्ट सर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। हाँ पूछो सर, थोड़ा सा ये बता दें कि एग्जांपल्स के साथ के सर पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। अच्छा, ताकि हमें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। सही है, साथ साथ में देखो हमारे पास दो तरह के सवाल आते हैं, एक हमारे पास है सब्जेक्टिव और एक है हमारे पास आपका समझ लो कि शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, जो आपकी रीडिंग मटीरियल्स हैं। ठीक है, सारे रीडिंग मटीरियल्स ऐसा नहीं है कि आपके पास जितने भी शॉर्ट हैं वो सब के सब रीडिंग मटीरियल्स हैं, मेजोरिटी रीडिंग मटीरियल्स हैं, बट कुछ केस स्टडीज से भी शॉर्ट हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव तो खैर है ही सारे केस स्टडीज से, बट कुछ शॉर्ट भी रीडिंग मटीरियल्स हैं। अच्छा, अब ये बात आ गई पेपर में किस तरह से सवाल आएंगे। देखो हमारे पास जो उसके केस स्टडीज से आएगा तो वो स्टडीज से रिलेटेड आ रहा होगा, और अगर इनसे रिलेटेड आएगा तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आएगा। लेट सपोज आपसे पूछ लिया कि भाई के मुझे ये बताएं हाँ हाई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ये इसको डिफाइन कर दें। ठीक है, इन टेक्निकल रिस्क फैक्टर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल सीधा से सवाल है। ठीक है, तो जो रीडिंग मटेरियल से आएगा वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा। क्लियर है ये? सर केस स्टडी से पर किस तरह आएगा? हाँ, अब के अभी हम केस स्टडी पढ़ेंगे ना, तो फिर इसको डिस्कस कर लेंगे केस स्टडी किस तरह से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक बात फिर से समझ लो भाई, अगर मैं कह रहा हूँ हम ये रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मकसद सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये मत समझना कि इस यही पेपर आ रहा है यही सब कुछ आएगा, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको पता था इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और डिस्क्लेमर इसीलिए। अच्छा, अब हम बस कह रहे हैं लेट सपोज हमारे पास जब बात करते हैं जो ये आप पढ़ा रहे हैं, मतलब यही चीज ही तो है रीडिंग मटेरियल में, और उसकी डेप्थ है बस, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली यही है, तमाम चीजें यही है, सिर्फ ये है कि इसे आपको एक पूरी पूरी आपको एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब जब रीडिंग मटेरियल पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, तो आपको सिर्फ एक क्विक रिव्यू करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा बस, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, सही है सही है। मगर पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, सर पढ़ ही रहे हैं साथ साथ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात करते हैं देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर तीन फेज होते हैं, इनिशिएशन, इनिशन डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है ये वही सारे पुराने हैं, कोई नया नहीं है, हम सिर्फ इनको लिंक कर रहे हैं कि कौन सा कहाँ पे है। मसलन हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास था क्लाइंट और वेंडर का इनएक्सपीरियंस होना, ये प्रॉब्लम कहाँ जा रही होगी हमारे पास, बिल्कुल स्टार्ट में डेवलपमेंट फेज पे या इम्प्लीमेंटेशन में, कहाँ जाएगी ये? सर स्टार्ट में जाएगी, बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डेटा गैदर करना है, क्योंकि अभी तो हमें क्या करना है, इनिशिएशन लेना है, तो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी ये, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी इनिशिएशन पे। लैक ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, जब वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या करेगा, वो बजट नहीं देगा, वो बजट रोक लेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी फिर हमें, स्टार्ट में नहीं, जब डेवलप होने जा रहा होगा। स्टार्ट में क्या करना है हमें, हमें डेटा गैदर करना है, स्टार्ट में क्या करना है हमें, हमें डेटा गैदर करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज पे वो क्या कर लेगा, वो बजट रोक लेगा, नहीं भाई ये नहीं होना, यहाँ पे रुक लेगा हमें। फिर ऐसी हमारे पास क्या है, ओवरली एम्बिशियस टॉप मैनेजर्स, अगर हमारे पास क्या है, मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो शुरू से ही क्या करेगा, वो घुस जाएगा, वो कहेगा नहीं भाई इनिशिएशन मेरे हिसाब से होना चाहिए, कहां से, स्टार्ट से ही वो अपनी करना शुरू कर देगा, वो यही इनिशिएशन में आगे फंस जाएगा। यूजर अनफेमिलियर,
हाँ सॉरी, वो एक कॉल आ गई थी मेरे पास। हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा भाई यूजर, भाई ये यूजर कब आएगा, स्टार्ट में, इम्प्लीमेंटेशन में सर। बिल्कुल एंड में आएगा, जब इम्प्लीमेंट हो रहा होगा या हो चुका होगा उस वक्त यूजर यूज करेगा, तब पता चलेगा। तो यूजर कहाँ चला जाएगा हमारे पास, बिल्कुल एंड में चला जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन में। अनक्लियर स्कोप एंड रिक्वायरमेंट, स्कोप और रिक्वायरमेंट कहाँ आते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिक स्केड्यूल, कहाँ पे दे रहे होंगे स्केड्यूल, स्टार्ट में दे रहे होंगे। इस तरह पुअर बजट कहाँ जा रहा होगा, वापस से डेवलपमेंट फेज में जा रहा होगा। लैक ऑफ चेंज कंट्रोल, नहीं हो पा रहा, कहाँ पे नहीं हो पा रहा, डेवलपमेंट में नहीं हो पा रहा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये कब आ रहेगी, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदर करते में भी आएगी और डेवलपमेंट करते में भी आएगी, दोनों में आएगी हमारे पास। इस तरह से हमारे पास क्या है, इन अप्रोप्रिएट अप्रोच, हम क्या करेंगे, हमें शुरू में भी हमारे पास प्रॉब्लम आई है, हमें मसला आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, हमें इनिशिएशन में भी आ रहा है, जब हमने और फिर हमने जब डेवलपमेंट किया वहां पे भी आ रहा होगा। तो हम क्या कर रहे थे, हम जुगाड़ू काम कर रहे थे। इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कब कर रहे होंगे, डेवलपमेंट फेज पे, क्योंकि टेस्टिंग कब होती है, डेवलपमेंट पे टेस्टिंग होती है, उसके बाद अगर सक्सेसफुल होता है तो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस, कहां पे डाल रहे होंगे हम इसको, डेवलपमेंट में डाल रहे होंगे, ताकि हम इसके अकॉर्डिंगली हम चले। इसका टेस्टिंग इनिशिएशन में भी हो सकती है कि पहले पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं। अरे 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 भाई, ओ भाई टेस्टिंग कब करोगे तुम, बनने के बाद, जब बन रहा होगा डेवलपमेंट में टेस्टिंग करोगे, ठीक है। आप पायलट टेस्टिंग बनने पे करते हो, इनिशिएशन आपने स्टार्ट किया है, अभी आप गैदरिंग कर रहे हो, डेटा गैदरिंग कर रहे हो, उस वक्त टेस्टिंग कैसे होगी। ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो हम क्या कर रहे थे हम, हाँ फिर हम आ गए थे टाइट कपलिंग, ये किस पे आ रही होगी, हमें क्या करना है, ये तो भाई हमारे पास किस तरह करना है, जब हम इनिशियल स्टार्ट ले रहे होंगे उस वक्त हमें पता होना चाहिए भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनसे अलाइन करके चलना है। फिर जब हम डेवलप कर रहे होंगे उस वक्त भी हम इसका खास ख्याल रखेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली हो, और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। क्लियर है? यस सर, ठीक है। ये खरीदा मुश्किल नहीं था, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास द कॉज ऑफ आईटी प्रोजेक्ट सक्सेस एंड फेलियर। आप लोग मुझे बताओ, आपने वो देखी है कौन सी थी, अवेंजर्स? ठीक है, अभी हम इसको रिलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, जो प्रोजेक्ट को लीड करता है, जो प्रोजेक्ट लेके चल रहा होता है, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, भाई ये प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ये तो आसान से समझ में आ गया। दूसरा होता है प्रोजेक्ट चैंपियन। ये प्रोजेक्ट चैंपियन कौन होता है, अब आओ अवेंजर्स के ऊपर। अवेंजर्स के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स थे वो कौन थे, अभी किसे देखिए, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका था, वगैरह वगैरह। मगर क्या ये लोग पूरी टीम को लेके चल रहे थे कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर थे? नहीं, वो कौन था, वो काला था, काला क्या नाम था उसका, काले का, ब्लैक पैंथर? नहीं ब्लैक पैंथर नहीं, दूसरा, वो जिसकी आंख में पट्टी बनी होती, क्या होता है वो, यार मेरे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो था फिल्मों में आता मूवी में। तो बेसिकली क्या था, वो उसने पूरी टीम बनाई थी, वो पूरी टीम को लेके चल रहा था। बेसिकली प्रोजेक्ट चैंपियन कौन थे, वो एक्सपर्ट लोग थे जो उस टीम के पार्ट थे, जो इसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे। मसलन ब्लैक पैंथर था, आयरन मैन था, आपका कैप्टन अमेरिका था, ये कौन है, ये प्रोजेक्ट चैंपियन है, ठीक है। प्रोजेक्ट चैंपियन से मुराद वो बंदा होता है, वो एक्सपर्ट बंदा होता है जिसने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, जिसको उसकी पूरी डिटेल्ड नॉलेज होती है, ठीक है। तो एक ही हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट चला रहा होगा, पूरा का पूरा मैनेज करेगा, जो सुपरवाइज करा होगा, और एक होगा प्रोजेक्ट चैंपियन, जो उसमें की रोल जो परफॉर्म करेगा। तो मैं एग्जाम्पल, ये कंफ्यूजन है,
लो आवाज आ रही है मेरी? जो टीम लेकर चल रहा है वो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर है। हाँ वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो पूरी टीम लेकर चल रहा है। और एक जो की एम्प्लॉयर है या आपका पास जो की परफॉर्मर है, जो टीम में एक्सपर्ट है, वो प्रोजेक्ट चैंपियन है। प्रोजेक्ट चैंपियन है जिसको इस सबकी पहले से नॉलेज है। क्लियर है? यस सर। नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट चैंपियन ना कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। अच्छा फिर हमारे पास क्या आ गया? एक तो आ गया हमारे पास सर, ये भी तो हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी, मतलब एक चैंपियन नहीं हो सकता, मतलब उसको भी एक्सपर्ट ही हो अगर। हाँ बिल्कुल, देखो अगर एक्सपर्टीज नहीं होगी तो यार दो मिनट होल्ड करने का फोन बहुत बचता है मेरा। असल में स्टूडेंट से फोन आ रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन होंगे फिजिकल होंगे, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि इकरा ने भी अपनी वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी बंद कर दी है, वो तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो नॉट श्योर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर वो सब चीज़ें एक साइड, बट पढ़ना तो है, पेपर फिजिकल नहीं होंगे तो ऑनलाइन हो जाएंगे, बट होने तो हैं, दैट्स अ रियलिटी। ठीक है तो खैर, तो क्या पेपर दोबारा बनेगा? यार नॉट श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहली चीज तो अभी तक तो फिजिकल है, यही कंफर्म है, जब तक हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो वो तो जब की बात है ना, जब हमारे पास ऑनलाइन होगा तो उस वक्त देखेंगे, बट अभी तक यही है कि पेपर फिजिकल है और इसी अजम्पशन पे चलो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन रखो। ठीक है, हाँ धैर्य ने रियलिटी को देखते हुए क्यों नहीं डिसीजन लिया? यार देखो वहां के डिसीजन मेकर मैं नहीं हूं, ठीक है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बहरिया का हाल फिर भी बहुत बेहतर है, मैं पढ़ा रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी में भी, यार तुम यकीन नहीं करोगे वहाँ का तो हाल बहुत बुरा है। वहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं पॉइंट में, पॉइंट का हाल बहुत बुरा है, कोई मास्क नहीं है, एक स्टूडेंट मास्क ला के नहीं आता वहाँ पे, कोई टेम्परेचर चेक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पे उन्होंने कहा है तमाम क्लासे फिजिकल है वहाँ पे। आपको तो फिर भी एग्जाम फिजिकल है ना, आपकी सिर्फ एग्जाम फिजिकल है, उनकी तमाम क्लास फिजिकल हो रही है, बल्कि अगर स्टूडेंट कह भी रहे कि सर ऑनलाइन कर दें तो वो कह रहे हैं नहीं।